लखनऊ के स्टूडेंट्स हैं LSE 1 जिन्होंने अपना सब्जेक्ट रखा है, उसकी फर्स्ट जो चैप्टर है वो सेल बायोलॉजी है। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी मायरों कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और जानेंगे। तो उसके हमने नोट्स यहाँ पे बना लिए हैं, आइए उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, मैंने यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है 1665 ईयर था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक जी ने सेल के नेचर के ऊपर ऑब्जर्व किया था। उनकी बुक थी माइक्रोगनथ। माइक्रोगनथ बुक में सेल के ऊपर रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में सबसे पहले सेल के नेचर को बताया था, सेल को बताया था। देन सेकेंड थी ये 1683 जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे लियोन होक। उन्होंने अदर सेल्स को ऑब्जर्व किया था, जैसे कि बैक्टीरिया, RBC, प्रोटोजोआ एंड स्पर्माटोजोआ एट्सेट्रा। तो ठीक है, लियोन होक जी 1683 आफ्टर रॉबर्ट हुक, लियोन होक 1683 ऑब्जर्व अदर सेल्स। तो थर्डली हमने लिखा है ईयर 1831 हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को बताया था, सेल के न्यूक्लियस को। तो अपने दिमाग में ये अच्छे से भर लीजिए कि न्यूक्लियस हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी ने बताया था 1831 में। उसके बाद में उन्होंने किस तरह से 1831 रॉबर्ट ब्राउन उन्होंने किस तरह से सेल को जो है न्यूक्लियस किस तरह से बताया था, तो उन्होंने सेल को एनालाइज़ किया होगा इसलिए बताया। तो उन्होंने किस मेथड से एनालाइज़ किया होगा, उन्होंने एक्स डिफ्रैक्शन एंड सेल फ्रैक्शनेशन, ये दो मेथड्स हैं जिनसे हम सेल को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में ये पूछे जा चुके हैं, आपको अच्छे से बता दूं कि एक्स डिफ्रैक्शन एंड सेल फ्रैक्शनेशन ये दो मेथड्स हैं जिनसे हम सेल को जो है एनालाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा हुआ 1839 ईयर थी और साइंटिस्ट थे स्केलिडन एंड स्क्वॉन्जी, जिन्होंने दी थी सेल थ्योरी, सो इम्पोर्टेंट अबाउट सेल थ्योरी, जिसमें ये उन्होंने बताया था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल थ्योरी, स्केलेटन एंड स्क्वॉन एंड द ईयर 1839। ओके, 1839 सेल थ्योरी। उसके बाद जो मैंने लिखा है सिक्स थिंग जो था 1855 थी ईयर, साइंटिस्ट थे रोडोल्फ विर्चो, उन्होंने क्या डिस्कवरी या थ्योरी दी थी, वो थी ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ठीक है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला का मतलब होता है कि ऑल सेल जो है, ऑल लिविंग सेल जो है अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल जो है वो कहाँ से आया, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल था, उसमें से न्यू सेल जो है वो अराइव हुआ है। तो स्टडी ऑफ सेल होता है हमारा साइटोलॉजी। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी, क्योंकि पहले किसी ने ये चीज़ नहीं बताई थी, सब ने बताया सेल, लेकिन कहाँ से उसका प्राप्त हुआ है, वो जन्म हुआ, किसी ने नहीं बताया था। ये चीज़ हमारे ओमनिस सेलुला ए सेलुला के ज़रिए बताया गया, और ये बताया था रोडोल्फ विर्चो ने 1855। ओके, रोडोल्फ विर्चो। सो इतनी चीज़ आज पहली वीडियो में हमने बताया। आई थिंक आप सब लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये काफ़ी कॉन्सेप्ट है, इससे एक ये जो वन मार्क क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो आप इसे अच्छे से अपने जो नोट में नोट कर लीजिए। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।